रंजीत भाइयों, आज हम रिएक्ट करने वाले इंडियन मोटिवेटर्स के ऊपर, ठीक है? सिर्फ रिएक्शन नहीं देंगे, थोड़ा बहुत रोस्ट भी करें। तो बिना लेट के स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है। हमारी नींदें हराम कर। हाँ, इसको मैं जानता हूँ। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? हाँ, इसको मैं जानता हूँ। कुछ चैन की नींद सोते है, अरे जिन्हें तुम अपना मानते हो, आखिर में वही गद्दार होते है। आ मेरी जान। इफेक्ट भाई, मतलब समझ रहे हो भाई, ये बंदा वीडियो में इसी एक्सेंट में बात करता है तो अब तक इसका आदत लग चुका होगा, है ना? मतलब कि नॉर्मली भी ऐसा ही बोलता होगा, मम्मी खाने में नमक कम है और आपके बेटे में दिमाग कम है। आ मेरी जान। जिंदगी में कभी किसी की जरूरत नहीं बनना मेरा भाई, क्योंकि जरूरत है तो कोई भी पूरी कर देता है, बनना है तो कमी बनो, क्योंकि कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता मेरी। अलेक्स, जब नाखून बढ़ जाते हैं तब नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। उसी तरीके से जब रिश्ते में दरार आ जाती है तब दरार मिटाई जाती है, रिश्ते नहीं। आ मेरी जान। ये ठीक है भाई इसका। भाई इफेक्ट डाल देना, ठीक है एडिटर? द सीक्रेट। हाँ, ये मेरे को मस्त लगता है। इवन क्विक सक्सेस इज दैट द पीपल हु स्टार्ट विद द हाफ हाइट ऑन द लैडर ऑफ प्रोग्रेस। क्या द पीपल हु स्टार्ट विद द हाफ ऑन द लेदर लैद क्या है लैदर ऑफ प्रोग्रेस? मुझे पता है इसका मीनिंग बट प्रोनाउंसिएशन पता नहीं। पूछा किसी ने लैडर ऑफ प्रोग्रेस? हाफ हाइट ऑन द क्या बोल रहा है भाई? दे हैव अचीव्ड हाफ सक्सेस इन द बिगनिंग इटसेल्फ। समझ गया ना, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है? समझ गया ना भाई? हाँ ठीक है। बहुत तेज हो रहा साल। डोंट यूज योर एनर्जी इन वरी। ओके, यूज योर एनर्जी इन बिलीव। ठीक है, बिलीव में। हाँ, सर ने बोला है करने का तो करने का। ऐसे तो नहीं होता है। पीपल्स विल हेट यू, ओके, हेट यू, सेक यू, एंड एट लास्ट दे विल ब्रेक यू, बट हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर स्टैंड, यू आर थिंग्स विल मेक यू। इफ यू आर स्ट्रगलिंग दैट मींस यू आर प्रोग्रेसिंग। कीप स्ट्रगल इन योर लाइफ and keep progress in your life. If you are struggling, that means you are progressing. Keep struggle in your life and keep progress in your life. कुछ समझा नहीं भाई, मैं कुछ भी समझा नहीं। इतना ज़्यादा motivate हो गया उन्होंने ये सब videos देख के कि अभी मुझे बंद करने का मन कर रहा है recording, ठीक है? और सो जाने का मन कर रहा है। बहुत funny यार। Wi-Fi नहीं चल रहा है। Wi-Fi की problem नहीं है, बताता हूँ क्या होता है। जब मोबाइल का वाईफाई और गर्लफ्रेंड का रिप्लाई हो जाए स्लो, समझ जाओ बेटा तुम्हारी डिवाइस से कनेक्टेड पीपल हैं दो। बात तो सही है, फिजिक्स वाला है भाई, इंडिया का सबसे बड़ा एडटेक कंपनी चलाते हैं भाई। भाई पहले ही बच्चों में इतना ज्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस है, सर आके ये बोल देंगे तो बच्चों का तो डबल फट जाएगा ना। बात तो सही है। और सोचो वाईफाई से टॉपिक सीधा गर्लफ्रेंड पे आ जाता है तो बच्चे तो लेक्चर छोड़ के सिर्फ ये शॉर्ट्स देखने आएंगे लेक्चर में। आ मेरी जान। वैसे बेस्ट फ्रेंड हो ना तो तेरे जैसा। ये तेरा बेस्ट फ्रेंड है, 1000 रुपए देता हूँ इसे, धोखा दे के दोस्ती तोड़ दे। सॉरी। अंकल आंटी कैसे? सब बढ़िया, तुझे बहुत याद करते हैं। 10,000 देता हूँ, धोखा दे के दोस्ती तोड़ दे प्लीज। सॉरी प्रिया, तो घर चलना, मम्मी ने तेरा फेवरेट डोसा बनाया है। अभी नहीं, फिर कभी। अरे 50,000 रुपए। सॉरी, चल फिर मिलते अपन। हाँ हाँ, याद से मिलेंगे। 1,00,000 रुपए बोलेगा अभी। लास्ट ऑफर 1,00,000 रुपए, उसे धोखा दे के अमीषा के लिए रिश्ता तोड़ दे। ओह माय गॉड, अब तो सिचुएशन गंभीर हो गया है। सनी। हाँ। बात सुनते जा। हाँ बोल। यार ये पैसा तो इतना ज्यादा है कि लाइफ बदल देगा, लेकिन ऐसा पैसे का भी क्या करेंगे। पता था भाई, मुझे पता था यही होने वाला है। हैप्पी न्यू ईयर मेरा कबलू। हैप्पी न्यू ईयर मेरे कबलू। Don't let money buy your relationships.
ओके लेकिन एक बात भाई, ऐसे ऑफर कहाँ मिल रहे हैं भाई? मुझे तो नहीं मिलते यार, 1,00,000 रुपए मिल रहे भाई, 1,00,000 रुपए। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है? अबे ये क्या मैसेज लिख के भेजा है तूने तेरी एक्स को? क्या? अबे उसने लिख के भेजा है आई मिस यू। तेरा क्या रिप्लाई गया है? आई मिस यू टू, हाउ हैव यू बीन। अबे वो तेरी एक्स है, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। उसने तुझे धोखा दिया था, उसने तुझे छोड़ दिया था। मान ले तू मेरी एक्स है, मुझे मैसेज भेज आई मिस यू। हाँ भेज दी। जैसे ही आई मिस यू आया, सबसे पहले तो गूगल पे जाके करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन टाइप कर और उसका स्क्रीनशॉट लेके उसे भेज। 7.5 बिलियन है करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन, भेज दिया। उसके बाद उसे लिख के भेज, इस दुनिया में मेरे अलावा 7.5 बिलियन लोग बचे, अब जाओ किसी और के इमोशंस के साथ जाके खेलो। डोंट लेट द सेम पर्सन प्ले विद इमोशंस ट्वाइस। बात तो सही है, किसी ने नहीं पूछा भाई। ऐसा दोस्त थोड़ा तो बिक ही जाना चाहिए था यार। मगर क्यों ऐसा एडवाइस दे रहा है दोस्त? ये पक्का पहले सिंगल ही था, लिख के ले। 7 बिलियन लोग बचे और सामने वाले को यही दोस्त बोल रहा था। ये वही है ना? ये देख के ना मुझे एंड्रयू टेट का डांस वाला मीम याद आ गया। डॉक्टर साहब, अब बिना दर्द के भी दांत निकाल लेते? नहीं, मैं निकाल लेता हूँ। कैसे? क्या बकवास है भाई। मोटिवेटर भाई, इंडियन मोटिवेटर्स, ठीक है। डॉक्टर के देखो बेचारी यार, डॉक्टर रियल डॉक्टर रियल डॉक्टर ही होगी, पता नहीं ये डेंटिस्ट के वहाँ ही गया होगा। लेकिन नहीं नहीं उसके पास माइक था, मतलब शायद हो सकता है कि रिकॉर्ड करने के लिए दिया हो, पता। Kids in 80s. Kids in 90s. Kids in 2000s. Kids in 2022. अब पता है कुछ कांड हो गए यहाँ पे। ये तो अनएक्सपेक्टेड था, मैं सोचा यार थोड़ा बहुत ही ज्यादा दर्द होगा। अच्छा। डियर टीचर्स, डोंट मेस विद टुडेस किड्स। एक बार क्या हो गया, मेरे स्कूल में भी वो एक बच्चे ने, जूनियर बच्चा था, हम क्लास 10 में थे, एंड एक क्लास 9 का बच्चा टीचर के साथ लड़ लिया भाई, टीचर के साथ। उसको बाद में जाके धुलाई तो हुआ उसका, बट वो लड़ा था भाई टीचर के साथ। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। तो मैं वो जेठालाल का कैरेक्टर को नोट कर रहा हूं। क्या रे गजब है यार आइटम, जबरदस्त है। करते 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 आइटम, मैंने एक चीज उसकी देखी, वहां से भी मैं लेके आया कुछ ना कुछ। वो जो बोलते टाइम उस वो एक चीज कहता है, और जेठा जी कैसे हो, जबरदस्त। ये क्या मोटिवेशन हो गया भाई, कुछ भी। और लोग भाई ताली बजा रहे, और ये अपने आप को इतना बड़ा बिजनेसमैन बोलते हैं, और बैठ के बबीता को देखना छोड़ के जेठालाल की बोलने का स्टाइल को नोट कर रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं संदीप महेश्वरी का कंट्रोवर्सी 2 बार देख लेता। तो बस इतने ही थे इंडियन मोटिवेटर्स के मीम्स। और बता दूं, इस चैनल पे रेगुलर वीडियोस आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो नेक्स्ट मीम रिएक्शन होगा, जो गेस कर लेगा पहले आज कमेंट सेक्शन में, उसको 500 रुपए मैं ट्रांसफर कर दूंगा रिप्लाई करके, ठीक है। कितना लंबा भाई।